हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आई क्यू अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज आई क्यू अभिषेक में। और फ्रेंड, जैसा कि वीडियो के थंबनेल्स आप सभी को दिख रहा होगा, आज मैं ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जीएस की बुक का रिव्यू आपके सामने लेकर आया हूँ। ये बुक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मोस्टली जितने भी स्टूडेंट अपनी कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं, वो ल्यूसेंट पब्लिकेशन की ये जीके की बुक जरूर पढ़ते हैं। तो उसी को लेकर मैं आपके सामने एक रिव्यू लेकर आया हूँ, जिसमें आप इस बुक को पूरी बारीकी से आपको बताऊंगा इस बुक के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, इस बुक के अंदर क्या कमियाँ हैं, एक एक चीज़ बारीकी के साथ आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर बुक है मेरे पास, तो इसकी मैं आपको पहले बेसिक डिटेल दिखा देता हूँ। तो डिटेल में आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए बुक की मोटाई ज़्यादा नहीं है, एक हैंडी बुक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं चारों तरफ से इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ल्यूसेंट का, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए आपको एक लोगो लगा हुआ मिलेगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूसेंट की बाकी की जो भी बुक्स आती हैं उसके बारे में भी यहाँ पे आपको दे रखा होगा। तो अब इस बेसिक डिटेल तो हमने देख ली कि हैंडी बुक है, आराम से आपको कहीं भी कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और बाकी हम इसके अंदर अब एक एक चीज़ देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसका फ्रंट पेज यहाँ पर दे रखा है, आप लोग को दिख रहा होगा ल्यूसेंट पब्लिकेशन का यहाँ पर फ्रंट पेज है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 160 रुपीज़ यहाँ पर देखिए एमआरपी प्राइस पड़ा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है आपको 160 में आपको ऑनलाइन ये सस्ती मिल सकती है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं या बुक स्टोर से आपको कुछ डिस्काउंट पे भी बुक मिल सकती है। तो अब हम देखते हैं इसके बुक के अंदर कंटेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ देख सकते हैं इसकी विषय सूची दे रखी है, जिसमें आपको सारा कंटेंट यहाँ पे दे रखा है। आपको देखिए इतिहास, इतिहास के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास भी मिलेगा, फिर भूगोल मिलेगा, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर भारतीय संविधान, उसके बाद आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और लास्ट में देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद विविध यानी मिसलेनियस, जिसमें आपको सारे मिक्स टॉपिक यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और सबसे लास्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं खेलकूद, और बिल्कुल लास्ट आता है यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे जो है क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको भी इंपॉर्टेंट इसमें देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग देखिए धर्म के बारे में, और एक एक टॉपिक यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट तरीके से मेंशन कर दिया गया है। प्राचीन भारतीय के इतिहास, प्रागैतिहासिक काल वगैरह, सिंधु सभ्यता यहाँ पर कर रखा है। और फ्रेंड, इससे पहले भी मैंने एक किरण पब्लिकेशन की बुक का भी रिव्यू बना चुका हूँ, अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो मैं कमेंट में भी उसका लिंक डाल दूंगा, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में वीडियो के वो लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। क्योंकि किरण की बुक इससे कई मायनों में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जिन्होंने ये बुक, मतलब किरण की बुक नहीं देखी, उसका रिव्यू जरूर देंगे, आपको पता चलेगा ये बुक भी अच्छी है। ये बुक उनके लिए अच्छी है जिन्होंने अभी तक जीएस बिल्कुल स्टार्ट नहीं करी है, मतलब जो एक बिगनर है उनके लिए बुक अच्छी है, लेकिन जो थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एक एक चीज़ टॉपिक को थोड़ा अच्छे से देखना चाहते हैं, तो वो किरण की बुक को भी प्रेफर यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर ये दिखा दिया। उसका देखिए यहाँ पे इतिहास के बारे में, यहाँ पे आप देखिए एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर थ्योरी की तरह यहाँ पर दे रखी है, साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे देख सकते हैं वो रेड कलर के यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, पिंक टाइप का कलर है यहाँ देख सकते हैं हाईलाइट करे गए हैं। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी, रिविजन के टाइम पर यहाँ पे ये जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाले हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखिए पूरा यहाँ पे युग के बारे में सारे जितने भी आपके कह सकते हैं देखिए सैंधव सभ्यता के जो भी जगह हैं उनको भी एक बेसिकली जैसे हर बुक्स में दे रखा था वहाँ पे दे रखा है। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेड रेड कलर से वो चीज़ हाईलाइट कर दी गई है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए आपको बुक के अंदर ज़्यादा डिटेल में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो किरण की बुक को प्रेफर करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा मटेरियल मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक में जो बेसिक स्टार्ट, जिसे भी स्टार्टअप करना है जो जीएस के लिए, तो वो इस बुक को जरूर ले, किरण की बुक को स्टार्टिंग में ना ले, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपको दिक्कत आएगी। बिल्कुल अगर आप बिगनर हैं तो इसी बुक को आप स्टार्ट करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये है बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ देखिए इसी तरीके से इतिहास के बारे में, फिर लास्ट में देखिए इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट जो जो पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली मोस्टली सभी बुक में दे रखा होता है वहाँ पर ये दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पुट आउट होते हैं। देखिए फिर यहाँ पर विश्व का इतिहास आपका चालू हो जाता है, हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट जो भी आपका लगता है इंपॉर्टेंट है आप वो पढ़ सकते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ देख सकते हैं आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल स्टार्ट हो जाएगा, भूगोल हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक आती है, तो भी आपको यहाँ पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों में आपको बुक ये मिल जाएगी, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। भूगोल की बात आप देख सकते हैं, भूगोल को भी काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन करा गया है इसके अंदर, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर देखिए जो है पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया गया, ताकि आप पेपर के टाइम पर इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख सकें। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं भूगोल के बाद यहाँ पर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था आ जाएगी, इकॉनमी आ जाएगी, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सारा पिंक से मेंशन कर दिया गया, जो जो पेपर में इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पॉइंट्स आते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखिए बहुत ब्रीफली हर एक चीज़ को यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक के बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके साथ साथ देखें भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा,
कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखिए यहाँ पे आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सारे आर्टिकल्स तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पेपर में पूछे जाते हैं वो दिए गए हैं। अगर आपको सारे आर्टिकल देखना है तो मैंने आपको बताया किरण की बुक में अगर आप परचेज करेंगे तो आपको सारे आर्टिकल्स भी आपको एक एक मिलेगा, अगर आप लोग उसको पढ़ना चाहते हैं बेसिकली तरीके से बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। बाकी वो काफ़ी अच्छी है, नो डाउट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। अगर आप लोग कम पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी सारा आपको सिलेबस मिल जाएगा। उसी के साथ देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग सारा जो है मैंने दिखा दिया आपको, भारतीय संविधान का भी काफ़ी सारे टॉपिक इसमें करे गए हैं। और फिर आ जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो ये तो बेसिकली सभी बुक में सेम ही रहता है। और अगर आपको बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो के लिए एक बुक परचेज करनी है तो मैंने इंसाइक्लोपीडिया जो है हरिहंत पब्लिकेशन की उसका भी रिव्यू कर दिया है, आप वहाँ जाइए, मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देखिए, क्योंकि वो बुक बेस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप लोग वो बुक परचेज करते हैं, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। मैंने वो पूरे अच्छे से डिटेल में उसका रिव्यू बना रखा है। बाकी आप देख सकते हैं फिजिक्स के बाद मैंने बता दिया बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इस बुक के अंदर एक अच्छी बात है कि इसमें मिसलिनियस है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर टॉपिक, अगर आप लोग अलग से स्पेशल बुक आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन आजकल क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर मोस्टली करंट अफेयर्स के टॉपिक को ही पुट आउट करती है कोई भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन बाकी तो आपको करंट अफेयर्स परचेज करने ही पड़ेगी।